नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में यूपी पुलिस और गुजरात एटीएस ने सूरत से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह और गुजरात एटीएस ने साफ किया है कि पकड़े गए लोग मौलाना मोहसिन शेख सलीम, फैजान और रशीद अहमद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लेकिन अब इस मामले से जुड़ी एक और कहानी सामने आई है और ये कहानी सामने आई है सूरत के लिम्बायत इलाके से। यहाँ की पद्मावती सोसाइटी की ग्रीन व्यू बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहता है रशीद अहमद का परिवार। रशीद अहमद के पिता हैं खुर्शीद अहमद खान, उनके 4 बेटे हैं, उनमें से रशीद और शहीद गुजरात एटीएस की गिरफ्त में हैं। वहीं उनका तीसरा बेटा फरीद खान अपने एक दोस्त के साथ गायब है। आज तक चैनल से जुड़े पत्रकार संजय सिंह राठौर से बातचीत में खुर्शीद अहमद खान ने अपने बेटों को बेगुनाह बताया है। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। एक लड़का सामने रहता है, वो उनके साथ आया था, उसने आके आवाज़ दी, बच्चे बाहर आए, वो लेके चले गए। क्या नाम है आपके लड़कों को, क्या करते हैं? एक का नाम रशीद है, एक का नाम सईद। क्या काम करते हैं? एक कंप्यूटर का काम करता है दुबई में, वो अभी छुट्टी में आया हुआ था। उसके बड़े भाई की शादी है, तो उस शादी में वहाँ से उसे 2 महीने की छुट्टी मिली थी, यहाँ उसी टाइम में शादी रखी है, तो वो शादी में शरीक होने आया। कितने समय पहले दुबई से आया था यहाँ पे? 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई थी आपके घर में जब वो आपके लड़के रहते, कोई बातचीत हुई थी कि किस तरह का प्लान चल रहा हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे आप हमारी शक्ल देख के अंदाजा लगा रहे हो कि हम ऐसे लोग होंगे। हमारे तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को देखो, सब हमारी जैसे मिलेंगे तुमको, दाढ़ी वाले। और यहाँ पूरे मतलब इसमें कम्प्लेक्स में आप पता करोगे तो कोई हमारे बारे में आपको बुराई नहीं बताएगा। फिर पुलिस आकर उन तक कैसे पहुँची और मर्डर कनेक्शन कैसे जोड़ा, क्या लगता है आपको? अब इस बारे में अपन तो नहीं जानते भाई क्या हुआ कैसे। अब वो मतलब जैसे उसके बड़े भाई का पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उस नाते से हो सकता है उन्होंने इनको उठा लिया हो कि भाई इन्हें उठाओ तो फिर उनका पता लगेगा। बड़े भाई कौन है, क्या नाम है उनका? फरीद। फरीद वो क्या करते हैं? वो अभी कुछ नहीं करता। वो कहाँ कैसे गायब हुए? वो उसका एक दोस्त है अशफाक, वो भी यहीं रहता, वो मेडिकल में काम करता, डॉक्टरों को दवाएं देने जाता। तो वो मेरे पास आया था, उसने कहा कि मुझे चंडीगढ़ जाना है एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो आप अपने लड़के को हमारे साथ भेज दो, हम दोनों जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। बस इतनी बात हमारी उसकी हुई, तो मैंने कहा चले जाओ। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक हमें कुछ नहीं पता लगा। अशफाक के साथ दोनों बेटे गए आपके? दोनों नहीं, एक बेटा गया, एक बेटा। अब ये कहा जा सकता है कि खुर्शीद अहमद खान बाप हैं तो अपने बेटों को बचाएंगे ही, लेकिन कमलेश तिवारी की माँ कुसुम तिवारी ने भी तो ऐसे ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। प्रशासन ने ही हमारे साथ गद्दारी कर दी, बहुत बड़ी हमारे साथ गद्दारी की प्रशासन ने। अगर प्रशासन ध्यान देकर उनको सुरक्षा दी होती तो जो आज घटना हुई है वो घटना नहीं होती। जो आज घटित हुई है वो घटना से हमारा बेटा बच जाता। हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन तो हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है कि जो कभी किसी के साथ किया ना होगा। अब सच क्या है नहीं पता, एक सच है जो यूपी पुलिस और गुजरात एटीएस कह रही है, एक सच कुसुम तिवारी का भी है जो शिव कुमार गुप्ता पर आरोप लगा रही हैं, और एक सच खुर्शीद अहमद खान का है जो अपने बेटों को बेगुनाह बता रहे हैं। गुनाहगार कौन है इस पर अंतिम मुहर कोर्ट लगाएगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।